बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है। इस वीक का लास्ट लेक्चर है। एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है? अभी मजीद लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन करना है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले हम कहते हैं द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम। हम कहते हैं कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हों, यानी आपस में वो जुड़े हुए हों, तो दोनों के एक एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो फासला होता है, उसका निस्फ यानी हाफ करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है, किसकी आती है? एटॉमिक रेडियस की। डेफिनेशन है द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाय ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ये बिटवीन द दो दफा लिखा गया, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाय ऑफ टू बॉन्डेड एटम। फॉर एग्जाम्पल, ये दो एटम हमारे पास कार्बन के हैं, ये कार्बन का एटम है, ये भी कार्बन का एटम है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एक कार्बन के न्यूक्लियस से लेके दूसरे कार्बन के न्यूक्लियस तक का जो फासला है, इसका हाफ करना, वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, वो एटॉमिक रेडियस के इक्वल आएगा। ये एग्जाम्पल जिस तरह हम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कार्बन के एटम है, जब उनको आपस में वो बॉन्डेड होते हैं तो उनके दरमियान जो फासला होता है, यानी एक एटम के न्यूक्लियस का दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो फासला हमारे पास होता है, वो कितना होता है? वो हमारे पास होता है 154 पिकोमीटर। कितना होता है वो? 154 पिकोमीटर। लेकिन हमने कहा इसका हमने हाफ करना, वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ये हमारे पास एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक साइज हम किसे कहते हैं? एटॉमिक साइज कहते हैं एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो फासला था, वो आपके पास तो एटॉमिक साइज हो गया। लेकिन आप जब इसका निस्फ कर दोगे, हाफ कर दोगे, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा एटॉमिक रेडियस के इक्वल। अगर आप इसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी 154 पिकोमीटर को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो वो आपके पास आ जाएगा 77 पिकोमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 77 पिकोमीटर। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल किया पिकोमीटर, आपने पहले इसका जो है वो यूज नहीं किया होगा पिकोमीटर, क्योंकि एटम बहुत ही छोटा होता है, यहाँ तक कि हम इसको आंख से भी नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है इसको देखने के लिए, इसी वजह से इसको बड़े यूनिट में मेजर नहीं करते हम, बिल्कुल छोटे छोटे यूनिट जो है वो यूज करते हैं, लाइक पिकोमीटर, नैनोमीटर, टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। ये क्वेश्चन आता भी है, वो क्वेश्चन आता इस तरह के, व्हाई वी यूज पिकोमीटर एंड नैनोमीटर टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। अब एटम का साइज मेजर करते हो तो वहाँ पे पिकोमीटर और नैनोमीटर का यूज क्यों करते हो? आपने कहना बिकॉज द साइज ऑफ एटम इज टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ट आई। ये हमारे पास जो है वो एटम का साइज इतना छोटा होता है कि हम तो इंसानी आंख से भी नहीं देख सकते। ये कैसे देखा जाता है? इट इज सीन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम देखते हैं। दैट्स वाई इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम स्मॉल यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लाइक पिकोमीटर एंड नैनोमीटर टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। अच्छा, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी, ये हमारे पास एग्जांपल हमने कहना है कि जो हमारे पास दो कार्बन एटम, जब उनको जो आपस में बॉन्डेड होते हैं, उनका एक एटम के न्यूक्लियस का दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो फासला होता है वो 154 पिकोमीटर होता है, और इसका एटॉमिक रेडियस होता है 77 पिकोमीटर होता है। हम ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, हमारे पास पीरियड भी आ जाता है, हमारे पास ग्रुप भी आ जाता है। जब हम पीरियड की बात करते हैं, ट्रेंड अलोंग पीरियड, क्योंकि पीरियड की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, हमने कहा था कि द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड पीरियड। हमने कहा था कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, पीरियड कहलाती हैं। तो जब इस तरह हम ट्रेंड अलोंग पीरियड की बात करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये एटॉमिक रेडियस वो होता है, वो डिक्रीज होता है। अब रीजन ये कि डिक्रीज क्यों होता है, हालांकि पीरियोडिक टेबल जो है पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो एटॉमिक नंबर भी 1 by 1 इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन साइज क्यों कम होता है, अभी ये हमें देखना है। तो पहली बात हम यहाँ पे बात करेंगे रीजन की, तो पहले हमारे पास रीजन आ जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब एटॉमिक नंबर का बढ़ना इसका मतलब होता है, एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। अब जब एटॉमिक नंबर 1 by 1 इंक्रीज करेगा, उससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन 1 by 1 ऐड हो रहा है,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मेन चीज ये कि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला एक एलिमेंट है लिथियम, दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका एटॉमिक नंबर है 3। लास्ट में चलते जाते हैं नियोन तक आ जाते हैं। अब नियोन है, इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास, चलें इसकी मैं एग्जाम्पल ऊपर ही देता हूँ, ये ना बाद में आप कहेंगे ये ग्रुप की है। ये फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। नियोन तक चलते हैं, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है भाई हमारे पास 10। अब हमने बात की शेल्स की, शेल्स चेंज नहीं होते। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में इसके पास आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आ जाता है इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब नियोन की बात करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में इसके पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब है शेल इंक्रीज नहीं किया, इसमें भी 2 शेल थे, मैंने न्यूक्लियस पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास लिथियम के लिए, ये हमारे पास नियोन के लिए। अब देखिए हमारे पास इसमें भी 2 शेल इन्वॉल्व हुए, इसमें भी 2 शेल इन्वॉल्व हुए, इसका मतलब है एक ही शेल में एटॉमिक नंबर बढ़ा, इसी वजह से क्या होगा नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम है, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़े। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब क्या होता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, 1 by 1 प्रोटॉन ऐड होते हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोशिश क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपस में जो कंट्रक्शन होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, साइज होता है वो सुकड़ जाता है, वो एटम का कम हो जाता है। यही रीजन हम कहते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है वो पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज होता है। इस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है लिथियम की, तो लिथियम का जिस तरह जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है वो होता है 152 पिकोमीटर। और इस तरह जब हम नियोन की तरफ आते हैं तो इसका कितना रह जाता है, इसका 69 रह जाता है। यानी लिथियम क्या होता है 152 और पिकोमीटर, और नियोन तक 69 पिकोमीटर रह जाता है। ट्रेंड अलोंग ग्रुप की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की जाना आते हैं, यानी वर्टिकल कॉलम में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो साइज होता है इंक्रीज करता है। रीजन क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस डिक्रीजेस, सॉरी, क्योंकि जो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की जाने वाते हैं तो ये इरेगुलर वे के साथ होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3 है, उसके बाद हमारे पास सोडियम का 11 आ जाता है, पोटेशियम का 19 आ जाता है, एंड सो ऑन। इरेगुलर गैस के साथ बढ़ता है फैक्ट्री न्यूक्लियर चार्ज, इसी वजह से फैक्ट्री न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ शेल एड अप, मेन रीजन फैक्ट्री न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की होती है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, 1 by 1 ऐड होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से होता है क्या, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह साइज होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स हम निकाल इंक्रीज करते हैं कैसे, भी हम ये भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एक ही शेल होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद लिथियम आ जाता है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 शेल इसके हो गए। जब सोडियम की तरफ चलते हैं तो उसके पास उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह इसके पास तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये आप देख रहे हैं जिस तरह 1 by 1 नीचे जा रहे हैं, तो 1 by 1 शेल जो इंक्रीज कर रहा है, इसी वजह से हम कहते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेल होते हैं वो एडअप होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल होते हैं वो जब एड होते हैं तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता है। अब मेन चीज क्या होती है, अट्रैक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा तो उतना क्या होगी अट्रैक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से साइज क्या करेगा, साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास रीजन थी एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है, और मजीद हमारे पास उसकी एग्जाम्पल है, और मजीद ट्रेंड अलॉन्ग पीरियड एंड ट्रेंड अलॉन्ग ग्रुप हमारे पास क्या है, ये हमारा काम था जो आज हमने किया। अच्छा, वैसे एक बात साथ में बताता चलूँ कि हमारे पास जब फोर्थ पीरियड की हम बात करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखते हैं, वहाँ पे जो वेरिएशन होती है एटॉमिक रेडियस की वो थोड़ी सी चेंज होती है। पहले वो रिड्यूस साइज कर रहा होता है, लेकिन बाद में वो आस्ते आस्ते इंक्रीज करना शुरू कर देता है। वैसे जब हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो साइज होता है वो इंक्रीज जो वो पीरियड में डिक्रीज करता है, ग्रुप में इंक्रीज करता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने जिस तरह कहा कि हाइड्रोजन से हम सोडियम की तरफ आ रहे हैं, इस तरह हमारे पास जब हम ये चीज देखते हैं तो लिथियम का हमने अभी लिखा कि वो हमारे पास कितना होता है, लिथियम का हमने कहा कि हमारे पास होता है 152 पिकोमीटर।
अब जब इसके बाद हम मजीद हम आते हैं इसकी तरफ यानी सीजियम की तरफ आते हैं, तो इसका जो हमारे पास हो जाता है सीजियम इसका उसका हो जाता है 265 पिकोमीटर। यानी इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आता है 152 लिथियम का। हाँ, पहले आता है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, उसके बाद पोटेशियम आता है, फिर रुबिडियम आता है, फिर उसके बाद सीजियम आता है ये। और इसका जो है वो आपके पास कितना जो कि रेडियस आपके पास 265 पिकोमीटर होता है। इसका मतलब है वो क्या कर रहा है टॉप टू बॉटम जो इंक्रीज कर रहा है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ग्रुप में वो इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस, और जो पीरियड की बात करते हैं वहां पे क्या होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। तो ये हमारे पास लेक्चर था, और इंशाल्लाह तो करता हूँ कि आपने क्लियर आसानी से कर लिया होगा। अब मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।